हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में मेटाबॉलिज्म में भी मेनली हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आज डिस्कस करने वाले हैं तो पहले हम ब्रीफली ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन अ लिविंग सेल कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म तो जो भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग सेल में हो रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म का पार्ट मानते हैं अब मेटाबॉलिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक्ट करते हैं यानी ऐसा नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा मोस्टली केमिकल रिएक्शन के सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट्स या प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो दूसरे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं अगर आप मेटाबॉलिज्म के टाइप्स डिस्कस करो तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन एनाबोलिक कौन से होंगे जो किसी चीज की फॉर्मेशन के लिए बायोसिंथिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे हम बायोसिंथिस लिख देते हैं इनके एग्जांपल्स भी फिर बताती हूँ मैं आपको दूसरे टाइप के होते हैं जिन्हें बोला जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर द ब्रेकडाउन रिएक्शंस जहां पे किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है कुछ चीज टूट रही है और एक होते हैं इन बिटवीन दीस टू जिन्हें बोला जाता है एम्फीबोलिक पाथवेज एम्फीबोलिक पाथवेज अब ये पाथवे कौन से होते हैं जिनके अंदर कैरेक्टर्स एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों के होते हैं यानी दोनों एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस यहाँ पे होती हैं तो मैं एना प्लस कैट लिख रही हूँ यहाँ एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस दोनों प्रेजेंट होंगे एम्फीबॉलिक पाथवेज में अभी जो हमें बेसिकली डिस्कस करना है वो हम एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पे मेनली जोर डालेंगे क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन और उनका ब्रेकडाउन दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो एनाबॉलिक रिएक्शन अगर आप देखो तो क्या बताया है? मैंने बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं तो यहाँ पे किसी चीज़ की बायोसिंथेसिस हो रही है किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है तो एनाबॉलिक का एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसे बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका मतलब क्या है कोई भी वर्ड आप पढ़ते हो उसे हमेशा तोड़ के पढ़ो ग्लूको मतलब ग्लूकोज नियो मतलब न्यू जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन तो न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हो रही है मेनली ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में तो यहाँ क्या हो रही है बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इसीलिए इसे क्या बोलेंगे एनाबॉलिक पाथवे बोलेंगे दूसरा अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजेनेसिस अब ये क्या होता है जेनेसिस अभी बताया फॉर्मेशन एंड ग्लाइको मेनली यहां आया है ग्लाइकोजन से यहाँ ग्लूको था ग्लूको मतलब ग्लूकोज ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन इज टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन सिमिलरली ग्लूकोलिक रियक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें ये तो एनाबॉलिक हो गया नेक्स्ट है कैटाबॉलिक तो कैटाबॉलिक रिएक्शन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है तो ब्रेक डाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं लाइसिस टर्म यूज करते हैं तो जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन का का लाइसिस ठीक है अभी हम यही प्रोसेसेस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होता है ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कैसे होता है अब आप बोलोगे हमने यहाँ ग्लूकोलाइसिस क्यों नहीं पढ़ा अब क्या होता है ग्लूकोज जो है वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जैसे हमने डिस्कस किया था मोनोसेकेराइड में आती है तो उसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा टाइप इसका पढ़ा उसके अंदर हम ग्लूकोलाइसिस नहीं पढ़ रहे हैं ये आपको कहीं भी टॉपिक नहीं मिलेगा चलो इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस हम पढ़ने वाले हैं जो क्या बताया मैंने आपको ग्लूकोज की फॉर्मेशन है तो ग्लूकोज फॉर्मेशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन या ग्लूकोज की प्रोडक्शन अब ये जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है किस चीज से होती है तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती है वो हमेशा नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से होती है मतलब ये तो हमें पता ही है कि कोई कार्बोहाइड्रेट होगा वो ब्रेकडाउन होगा मोनोसेक्यराइड बना देगा जिसका एग्जाम्पल ग्लूकोज है बट यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस जो हम पढ़ रहे हैं वो होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर हम ये देखें कि ये पूरी प्रोसेस होती कहाँ है तो जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म में ही जैसे ग्लाइकोलाइसिस होती है यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म पायरोट सिमिलरली ग्लूकोनियोजेनेसिस भी साइटोसोल में ही होती है एंड किसके साइटोसोल में होती है ये भी आपको याद रखना है जहां पे ग्लूकोज से कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना था या स्टोर हुआ था वो कौन सी जगह होती है हमने पढ़ा था ग्लूकोज से क्या चीज बनती है ग्लाइकोजन बनता है अब वो ग्लाइकोजन बॉडी में किस जगह पे स्टोर होता है तो वो थे एंड एंड मसल्स मसल्स तो लिवर वो एरिया है जहां पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा फ्रॉम ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसे हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं तो वो जो है वो फॉर्म करेगा क्या नॉन uh, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम ग्लाइकोजन या तो ग्लाइकोजन से हो सकता है या फिर किसी और सब्सटेंस से भी हो सकता है देखो हमने यहाँ क्या चीज़ डिस्कस करी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए अब आप बोलोगे ग्लाइकोजन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है यानी कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है तो यहाँ हम नॉन कार्बोहाइड्रेट क्यों बोल रहे हैं तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया है कि ग्लाइकोजन कैन फॉर्म ग्लूकोज आफ्टर इट्स ब्रेक डाउन बट यहाँ पे वो चीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस इन्वॉल्व है जो कि क्या हो सकता है कोई भी सब्सटेंस जैसे लैक्टेट पायरोट जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है ठीक है ग्लिसरॉल या फिर क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स पूरा नहीं लिख रही हूँ सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी जैसे मैं लास्ट टू वीडियोस से कर रही हूँ इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं इन अमीनो एसिड्स का इन अमीनो एसिड्स को क्या बोला जाता है तो इन अमीनो एसिड्स को बोला जाता है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक किस लिए क्योंकि ये जेनरेट कर रहे हैं किस चीज़ को ग्लूकोज को तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस में आते हैं जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन को कॉज कर सकते हैं अब आपको यहाँ पे अमीनो एसिड वाले टॉपिक में ये चीज याद रखनी है कि देयर आर नॉट ग्लूकोजेनिक इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो इसका है and leucine, LL वाले अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड ल्यूसीन ये दोनों अमीनो एसिड्स नॉन ग्लूकोजेनिक में आते हैं नॉन ग्लूकोजेनिक किस लिए क्योंकि ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट नहीं कर सकते फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज क्लियर है ये सारी चीजें तो हमने ग्लूको नियोजेनिस का ब्रीफ में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये प्रोसेस कैसे हो रही है अब अगर इसका हम पूरा केमिकल रिएक्शन या पाथवे पढ़े तो क्या किस चीज से क्या चीज फॉर्म हो रही है वो हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है एक सिंगल ग्लूकोज टूटता है टू तो फॉर्म टू पायरोवेट मोलिक्यूल्स तो यहाँ पे दो पायरोवेट मोलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं ग्लूकोज ये है पूरी प्रोसेस जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं अब ये जो प्रोडक्शन हो रही है ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू होती है डायरेक्ट नहीं होती मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं फिर जाके ग्लूकोज बनता है अगर हम इन इंटरमीडिएट्स की बात करें तो वो इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा दो पायरोट मॉलिक्यूल्स अब ये दो पायरोट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बनाते हैं टू पीई पी फोस्फो विद पायरोट विध ऑफ टू जी टी पी मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ टू ए टीपी मॉलिक्यूल्स दो ए टी पी बनेंगे दो जीटीपी जी टी पी यूज हो जाएंगे अब ये जो दो पी ई पी के मॉलिक्यूल्स बने हैं ये कन्वर्ट होते हैं फ्रक्टोज वन सिक्स में यहां मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको नोट्स में सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी तो फ्रक्टोज फ्रक्टोजेट जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा बाय डी एच दो एन ए डी एच मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज हो जाएंगे और साथ में दो ए टी पी बनेंगे और साथ में दो एन ए डी एच भी बनते हैं ठीक है तो ऐसे ये रिएक्शन होता है इसके बाद यूजेज होता है एटीपी मॉलिक्यूल का सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल का और बनता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में और यहाँ पे एटीपी यूज होके क्या बनेगा ग्लूकोज बन जाएगा मतलब आप ये लगा सकते हो कि ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स ये प्रोसेस हो रही है ग्लाइकोलाइसिस में सॉरी मैंने यहाँ जी लिख दिया है यहाँ पे ग्लूकोज आएगा तो ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स में ये पूरी प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है ग्लूकोज हम नॉर्मली क्या पढ़ते थे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता था टू फॉर्म टू पायरोवेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे उल्टा हो रहा है दो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन को कॉज कर रहे हैं अगर आप इस पूरी रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन को शॉर्ट में करके लिखोगे तो क्या होता है दो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स दो पायरोवेट जुड़ जाते हैं दो एन के साथ प्लस चार ए रिक्वायर्ड होते हैं दो जी रिक्वायर्ड होते हैं एंड सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं ये पूरा रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था अभी वो थोड़ा शॉर्ट में था अगर आप डिटेल में इसे पढ़ोगे इतनी डेप्थ में याद करने की जरूरत नहीं है जितना यहाँ करवा रही हूँ उतना काफी है आपके लिए बट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी यूजेज हो रहा है और इससे क्या बन रहा है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और साथ में इनके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स तो बनेंगे एन ए डी प्लस बनेगा ए डी पी बनेगा जी डी पी बनेगा ठीक है तो ये सारी प्रोसेस तो हो ही रही है तो यहाँ पे दो पायरोवेट्स का यूज करके ग्लूकोज बन रहा है एंड पायरोवेट इज अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस अब क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि ग्लूकोज है तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ आया चलो अब अगर हम देखना चाहें कि जो ये ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस uh, नहीं जो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है इसका रेगुलेशन कैसे होता है तो वो देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस तो इसकी रेगुलेशन जो होती है वो बोला जाता है कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो है वो एलोस्टेरिक एंड सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल के थ्रू होती है सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल के थ्रू अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि एलोस्टेरिक का मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्टिम्यूलेटर्स जिन्हें एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं या एक्टिवेटर्स ये इन्वॉल्व होते हैं और साथ में कुछ इनहिबिटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी प्रोसेस में ठीक है अगर सबस्ट्रेट लेवल की बात करोगे तो कोई एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है जो कॉज कर सकता है इस पूरी के पाथवे का रेगुलेशन ठीक है तो अगर हम एग्जाम्पल करें एग्जाम्पल की बात करें एक्टिवेटर या स्टिम्युलेटर की तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं एसिटाइल को ए ये एक टाइप का एक्टिवेटर है जो फर्स्ट स्टेप में काम करता है और रेगुलेट करता है पॉजिटिवली रेगुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को तो ये हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन प्लस का साइन यहाँ हम बना देते हैं अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इनिबिटर्स में एग्जाम्पल आता है ए एम पी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसके अलावा आता है फ्रक्टोज टू सिक्स बिस्फोस्फेट ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो इनिबिटर की तरह एक्ट करके नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को एंड ये जो प्रोसेस होती है ये रेगुलेशन जो होता है वो थर्ड स्टेप में होता है तो थर्ड यहाँ लिख लेते हैं यहाँ फर्स्ट था क्लियर है अब सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल की अगर आप बात करोगे तो सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल होता है फिफ्थ स्टेप पे बाय ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फिफ्थ स्टेप पे ये पूरी प्रोसेस होती है जो कि लास्ट स्टेप है क्लियर है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशन को शॉर्ट में मैंने आपको बताया एलोस्टेरिक एंड सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल के थ्रू होती है एलोस्टेरिक में कुछ एक्टिवेटर्स हैं कुछ इनिबिटर्स हैं जिनके एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए यहाँ नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि इनिबिटर है और सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल भी होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के थ्रू तो आई होप कि आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस समझ आ गई हो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ क्या चीज डिस्कस करेंगे हम कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कैसे होता है तो इस मेटाबॉलिज्म में दो चीजें हैं एक जिसे बोला जाता है ग्लाइको जेनेसिस और एक होता है जिसे बोला जाता है ग्लाइको जीनोलाइसिस तो ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में एक जेनरेशन है प्रोडक्शन है और एक लाइसिस है यानी ब्रेकडाउन है ये दो प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर इनको हम ब्रीफली देखें तो ये प्रोसेसेस होती कैसे हैं ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम ग्लूकोज तो ग्लूकोज है जिससे ग्लाइकोजन बना बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसे ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है फॉर्म ग्लूकोज क्लियर है ये वाली बात तो ये ये दोनों जो रिएक्शन हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं अब इन चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है तो वो चीज देख लेते हैं एक और चीज यहाँ आप ये चीज जरूर लिख लेना कि ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा जहां पे इनकी स्टोरेज होती है लिवर एंड मसल और इसकी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के कुछ भी एंजाइम्स अगर मिसिंग होंगे तो क्या होगा कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे जैसे कि एक एग्जाम्पल है डिसऑर्डर का ये तो स्टोरेज डिसऑर्डर है बट कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं एग्जाम्पल इसका अगर हम लें तो उसका एग्ज़ाम्पल है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ इनमें क्या होता है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करने की प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो पाती क्योंकि ग्लाइकोजन बन ही नहीं पाता है क्योंकि जो एंजाइम्स इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन के लिए उनमें से कोई एंजाइम मिसिंग होता है तो सबसे पहले हम ग्लाइकोजेनेसिस डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस अब ये जो ग्लाइकोजेनेसिस वाली प्रोसेस है यानी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस है ये प्राइमर ओरिएंटेड होती है इट रिक्वायर्स प्राइमर प्राइमर क्या होगा एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ग्लाइकोजन रेसिड्यूज तो ग्लाइकोजन के कुछ रेसिड्यूज पहले से ही प्रेजेंट होने चाहिए तभी जाके ये पूरी प्रोसेस हो पाएगी तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो होती है वो डी नोवो नहीं हो सकती है उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर प्राइमर देना पड़ेगा अब ये प्रोसेस होती कैसे है तो क्या होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा टू फॉर्म ग्लूकोज सिक्स फास्फेट ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बनाएगा सिक्स कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा फिर उसके बाद ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ट्रांसफर हो जाता है टू वन पोजीशन फर्स्ट कार्बन तो ग्लूकोज वन फॉस्फेट बनता है फिर इससे बनता है यूडीपी फॉस्फेट यूडीपी ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज क्या होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज यूडीपी बनता है यूडीपी इज मेजर प्रिकर्सर जिससे कि ये पूरी प्रोसेस हो रही है अब इसके साथ जुड़ेगा वो रेसिड्यूज तो ये इसके साथ जुड़ के तब जाके ग्लाइकोजन बनाते हैं समझ आया तो प्राइमर का जो रोल है वो यहां आता है इस वाले स्टेप पे लास्ट स्टेप अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही थी ये किस एंजाइम के थ्रू मीडिएटेड थी तो मेजर एंजाइम यहां रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज तो ग्लाइकोजन सिंथेस नाम से जैसे पता चल रहा है ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिशिएट करेगा अब क्योंकि ये एंजाइम मेजर है इस पूरी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए इसीलिए दिस इज द की रेगुलेटरी एंजाइम आल्सो की रेगुलेशन जो भी इस पूरी प्रोसेस को अगर रेगुलेट करना चाहते हैं तो हम मेजरली जो टारगेट करते हैं वो इसी एंजाइम को टारगेट करते हैं ये मेजर रेगुलेटरी एंजाइम है इस पूरी प्रोसेस का बट आपको ये चीज याद रखनी है कि ग्लाइकोजन जो होता है ना वो क्या होता है ब्रांचड मॉलिक्यूल है उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं अब इससे जो ये पूरी रिएक्शन हो रही है इस एंजाइम से जो रिएक्शन हो रही है ये वाला रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रेट चेन बनाता है ग्लाइकोजन की स्ट्रेट चेन अब स्ट्रेट चेन तो हमें चाहिए नहीं हमें क्या चाहिए ब्रांचिंग चाहिए तो ब्रांचिंग के लिए हमें एक एडिशनल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट भी साथ में होती है इस पूरी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए वरना ग्लाइकोजन नहीं बनेगा ठीक है तो ग्लाइकोजन सिंथेस की भी रिक्वायरमेंट है और ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि क्या होता है ग्लाइकोजन सिंथेस जो है अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा बट ब्रांचिंग के लिए हमें चाहिए अल्फा वन सिक्स बॉन्ड तो उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें ब्रांचिंग एंजाइम की ही रिक्वायरमेंट होगी अब ब्रांचिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है तो ये भी देख लेते हैं ब्रांचिंग अगर ग्लाइकोजन की नहीं होगी तो ग्लाइकोजन वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तो वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी जरूरी नहीं है वाटर ही हो बॉडी के जो भी टिश्यूज हैं उनके अंदर भी अगर इसे सोल्यूबल होना है यानी क्या बोल सकते हैं हम फैट में सोल्यूबल होना है तो उसकी सोल्यूबिलिटी के लिए भी ब्रांचिंग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो हमने ग्लाइकोजेनेसिस वाली प्रोसेस भी डिस्कस कर ली है अब आगे देखते हैं कौन सी प्रोसेस हम देखने वाले हैं तो अगली प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजिनो लाइसिस अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमने क्या बोला कि ब्रांचिंग के लिए एक एडिशनल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है तो यहां भी डी ब्रांचिंग के लिए एक एडिशनल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन दो एंजाइम्स करते हैं एक होता है जिसे बोला जाता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम और दूसरा एंजाइम होता है जिसे बोला जाता है ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम ये ब्रांच को अलग कर देगा यानी एल्फा वन सिक्स वाले जो बॉन्ड है उन्हें ब्रेक करने में हेल्प करेगा ग्लाइकोजन अल्फा वन फोर को ब्रेक करने में हेल्प करता है तो ये ब्रेक होंगे तभी जाके ग्लाइकोजन टूटेगा तो ये पूरी प्रोसेस हो रही है वाली प्रोसेस में तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो अब क्या होता है कुछ एंजाइम्स की रेगुलेशन के लिए कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं अब वो तीन हॉर्मोन्स है कौन कौन से हैं एक होता है ग्लूकागॉन एक होता है एपी नेफरीन। एपी नेफरीन। इसके अलावा एक होता है जिसे बोला जाता है इंसुलिन। अभी ये तीन हैं जिनका काफी ज्यादा रोल होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन या फिर जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है उसके अंदर तो ग्लूकागोन अगर हम बात करें तो ग्लूकागोन क्या करता है ये कहाँ से रिलीज होता है पहले ये देख लेते हैं कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है तो ये सब तो आपको पता होगा ग्लाइक ग्लूकागोन जो होता है वो अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं कौन से आइसलेट्स ऑफ लैंगर जो है पेनक्रियाज वहां से ये सिक्रीट होता है एपिनेफ्रीन की बात करोगे जिसे एड्रीन भी बोलते हैं या इमरजेंसी हॉर्मोन भी बोलते हैं ये प्रोड्यूस करता है एड्रीनल मेड्यूला एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसका मेडुला प्रोड्यूस करता है एपिनेफ्रीन इंसुलिन की बात करोगे तो ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफ के के यानी ये तीन हॉर्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं पूरी प्रोसेस तो ग्लूकागोन की अगर आप बात करोगे तो ग्लूकागोन जो होता है और एपिनेफ्रीन जो होता है ये करते क्या हैं ये दोनों स्टिम्यूलेट करते हैं स्टिम्यूलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टिम्युलेट करते हैं ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज बनेगा तब जाके आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी एमरजेंसी हॉर्मोन है ना आपके सामने शेर आ गया तो आप भागोगे कैसे एपीनेफ्रीन यानी एमरजेंसी हॉर्मोन जो होगा वो क्या करेगा ग्लाइकोजन को जो आपके लिवर या मसल्स में स्टोर्ड है उसे ब्रेक कर देगा इंटू ग्लूकोज अब वो जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देगा वहां से भागने के लिए इसीलिए हम क्या बोलते हैं एड्रीन को फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन ठीक है तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है इसके अलावा ये क्या करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिम्युलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन तो ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज बन रहा है और न्यू ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से भी बन रहा है तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तभी जाके बॉडी को एनर्जी मिलेगी इसके अलावा ये क्या करता है, ये करता है किस चीज को इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को ठीक है किस लिए क्योंकि ग्लाइकोजन नहीं बनाना है ग्लूकोज जो है उसे यूज अप नहीं करना है इनहिबिट्स ग्लाइकोजेनेसिस इनहिबिट्स ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा इसके अलावा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को भी रोक देगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस प्रोसेस के थ्रू मैं बोल रही हूँ ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ठीक है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस को भी इनिबिट करेगा ग्लाइकोलाइसिस भी ना हो अगर आप इंसुलिन की बात करो तो इंसुलिन इसका उल्टा काम करता है यानी जो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस थी या ग्लूकोनियोजेनेसिस थी इन दोनों को इनहिबिट कर देता है ताकि ग्लूकोज ना बने क्योंकि इंसुलिन का प्रोड्यूस होता है जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है तो ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बॉडी के अंदर हाई है तो ग्लूकोज की और फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो क्या होगा ग्लूकोज की फॉर्मेशन को रोक देगा बट जो ग्लाइकोजेनो ग्लाइकोजेनेसिस है या ग्लाइकोलाइसिस है इन दोनों को स्टिम्युलेट कर देगा किस लिए स्टिम्युलेट करेगा क्योंकि उस ग्लूकोज को बॉडी से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके स्टोर करना है उससे कोई पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड बनाना है यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो ताकि ब्लड में से शुगर का अमाउंट कम हो जाए आई होप कि आपको पूरा ये रेगुलेशन का फंडा जो है ये क्लियर हो गया हो इसके अलावा जो पूरी हमने आज प्रोसेसेस डिस्कस करी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वो सारी प्रोसेसेस क्लियर हो गई हो अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी आती है जो आपको पढ़नी इम्पोर्टेंट है एक और आता है जिसे पीपीपी पाथवे बोलते हैं यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक होता है जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसी का पार्ट कंसीडर किया जाता है एटीपी प्रोडक्शन वगैरह कैसे होगी इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिख लेते हैं ई जिसे बोलते हैं ई इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि हो रही है कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस प्रोसेस को भी डील करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इनमें से काफी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको ये सारी प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्रेपसाइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन पीईपी यानी पेंटोस फॉस्फोट पाथवे के ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा आई होप कि आपकी आपको आज की वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू